नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। महाकवि भर्तृहरि का श्रृंगार शतक चल रहा है। हमने 91 श्लोक देख लिए, पूर्णावती की तरफ है। एक सुंदर सा श्लोक देखते हैं। धन्यास्ते एव चपलायत लोचनानां तारुण्य दर्प घन पीन पयोधराणां क्षामोदरो परिलसत् त्रिवली लतानां दृष्ट्वा कृतिम विकृतिमेति मनोनयेषां। देखिए, भर्तृहरि जब कोई बात करते हैं ना, तो वो सिर्फ कागजी बात नहीं करते हैं, वो व्यवहार वाली बात करते हैं। सामान्यतया ऐसा है, एक राम ही ऐसे हुए हैं पुरुष में जिनको सीता के अतिरिक्त किसी ने आकर्षित ही नहीं किया। कितना उनका मन अपने वश में होगा, तभी तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। बाकी तो न सीता जैसी सती स्त्री कोई हुई और न राम जैसा कोई दृढ़ निश्चयी पुरुष हुआ। अन्यथा क्या होता है, वर्णन करते हैं कि जिसकी चंचल और बड़ी बड़ी आंखें हैं, जवानी के कारण जिसके पीन पयोधर अत्यंत विशाल और कटि प्रदेश यानी पेट का भाग जिसका एकदम पतला, और उसमें भी जैसे सिक्स पैक होते हैं ऐसे स्त्रियों में त्रिवली यानी अगर वो थोड़ा सा आगे झुके तो उसके पेट में तीन लकीरें पड़े, इस प्रकार की जिसको एक कामसूत्र की भाषा में कहते हैं कि 36 24 और 36 का फिगर हो, ऐसी किसी आकृति को देख करके जिस पुरुष के मन में विकृति न मेती, अगर मन में विकार उत्पन्न नहीं होता है, धन्यास्त, वो पुरुष तो भाई बड़ा धन्य है, श्रेष्ठ है। यानी ये संभावना बहुत कम रह जाती है। अब विचार कीजिए, श्रृंगी ऋषि जैसे जिन्होंने कभी किसी स्त्री के दर्शन ही नहीं किए थे, जिनका अपना जन्म भी एक हिरण के गर्भ से हुआ था, किसी स्त्री के गर्भ से उनका जन्म नहीं हुआ था, वो भी जब स्त्री को देखते हैं तो उसके सौंदर्य से आकर्षित नहीं, लालायित हो जाते हैं। तो आप विचार तो कीजिए, जो इसके रसास्वाद को जानता है, ऐसा कोई पुरुष ऐसी सौंदर्यमयी आकृति को देख करके, जिसके बड़े बड़े नेत्र हों, चंचल नेत्र हों, स्तन जिसके एकदम उभार वाले, जिसके कारण उसका कमर प्रदेश और भी पतला लगे और त्रिवली उसमें पड़ती हो। महाकवि कालिदास ने भी जब कुमार संभव में पार्वती जी तपस्या कर रही हैं तो पानी की एक बूंद सिर से पड़के और जब उनके शरीर पे यात्रा करती है, उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। अगर आपको श्रृंगी ऋषि की कथा सुननी है तो वाल्मीकि रामायण के हमारे वीडियो देखिए। अगर आपको कालिदास का ये वर्णन देखना है तो कुमार संभव की वीडियो देखिए, पार्वती की तपस्या में इसका वर्णन आता है। तो भैया, वो तो धन्य है जो ऐसी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति किसी स्त्री को देख के भी जिनके मन में विकार उत्पन्न नहीं हो। बाकी तो मनुष्य मात्र का स्वभाव तो ऐसा है, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति की तो बात ही जाने दीजिए, अगर एक अवसर मिल जाए तो कोई भी किसी भी प्रकार की स्त्री हो, अगर वो सामने से अपने हाव भाव से आमंत्रित कर दे तो फिर पुरुष जो है वो स्वयं को वश में नहीं रख पाता है। यहां तो वर्णन किया है कि सौंदर्य की प्रतिमूर्ति को देखने के बाद भी जिसका मन विकृति न प्राप्त करे, वो वास्तव में धन्य है, महान है, श्रेष्ठ है। इसी बात को किसी कवि ने कहा है कि सानुरागाम स्त्रियम दृष्ट्वा
मृत्युं वा समुपस्थितं अविकल मनाह स्वस्थो मुक्त एव महाशयः। भाई अनुराग का प्रदर्शन करती किसी स्त्री को और मौत को, ये दोनों ही ऐसे हैं जो हमारे टाले नहीं टल सकते हैं, और उनको देख करके जिनका मन व्याकुल ना हो वो भाई महापुरुष हुआ करते हैं। एक सुंदर दोहा देखते हैं, क्षीण लकम अरुपीन कुचम, क्षीण लकम अरुपीन कुचम, लख तिये के दृग तीर, जे अधीर नहीं करत मन, धन्य धन्य ते धीर। तो भैया ऐसे धैर्यशाली लोगों को नमन, धन्य है वो। सुनते रहिए आगे की चर्चा अगले वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।